हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके, हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट। ठीक है, ये है हमारा एक प्लेट, माइल्ड स्टील MS प्लेट है ये, जिसका लेंथ है 1 मीटर बाई 1 मीटर। ठीक है, स्क्वायर प्लेट है और इसका थिकनेस कितना है, 10 mm। उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 मीटर। 10 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर ये आएगा। ठीक है, तो देखो वेट कैसे निकलता है। वेट निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगेगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम लगेगा और डेंसिटी लगेगा। जिस चीज़ का आप निकाल रहे हो वेट, उसका वॉल्यूम और डेंसिटी अगर पता है आपको तो आप उसका वेट निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलो तो पहले इस प्लेट का मैं वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ प्लेट फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितना है, 1 मीटर। ब्रेथ कितना है, 1 मीटर। हाइट कितना है, 10 mm। इसका यूनिट हम सबका सेम रखेंगे, अगर ये मीटर में है ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में ले जाएंगे। तो हाइट को अगर 10 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.01 मीटर। 0.01 मीटर, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, डेंसिटी। तो फॉर्मूला होता है वेट का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, स्टील का डेंसिटी अगर आप नहीं जानते हो तो देख लो, मैं बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ स्टील होता है, याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 7850 kg/m³। ये डेंसिटी ऑफ स्टील है। ठीक है, चलो पुट कर देंगे अब वेट में। वॉल्यूम कितना निकला, 0.01। डेंसिटी कितना निकाला हमारा, 7850। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 78.5 kg। तो इस MS प्लेट, माइल्ड स्टील प्लेट का वेट कितना आएगा, 78.5 kg। इसी तरह कोई भी प्लेट किसी भी लेंथ का हो, जस्ट ये स्टेप आप फॉलो करो, आप उसका वेट निकाल पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेट ऑफ माइल्ड स्टील बार कैसे निकालते हैं। ठीक है, वेट ऑफ माइल्ड स्टील बार कैसे निकालते हैं। चलो टाटा।